दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे मैच तिरुवनंतपुरम में खेला गया, जिसमें कोहली ने 110 गेंदों पर नाबाद 166 रन की शानदार पारी खेली। किंग कोहली ने अपनी पारी में 8 छक्के और 13 चौके लगाए और भारत को 390 के स्कोर तक पहुंचाया। ये उनके करियर का 74वां शतक है। कोहली का ये भारतीय सरजमी पर 21वां शतक है। दरअसल घर में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर का 20 शतक के साथ टॉप पर थे, लेकिन इस शतक के साथ वह सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने अपनी पारी के दौरान श्रीलंका के महान बल्लेबाज महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ दिया और एक दिवसीय मैचों में अब तक के पांचवे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यह उनका 46वां वनडे शतक भी था और अब सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी करने में केवल 3 अंक शतक दूर है। कोहली वनडे में श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा 10 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 शतक लगाए हैं। विराट ने लगातार एक सीरीज में 2 शतक भी लगाए हैं। विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं। अपने घर में सबसे ज्यादा वनडे सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ी, 103 मैचों में 21 शतक विराट कोहली के नाम है, 164 मैचों में 20 शतक सचिन तेंदुलकर के नाम है, 69 मैचों में 14 शतक हाशिम अमला के नाम है, 153 मैचों में 13 शतक रिकी पोंटिंग के नाम है, 110 मैचों में 12 शतक रॉस टेलर के नाम है। टीम इंडिया इस मैच में 317 रन से जीत दर्ज की है और श्रीलंका को 73 रन से हरा दिया है। वनडे इतिहास में भारत की यह सबसे बड़ी जीत है, जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को मिला है। विराट कोहली के इस धमाकेदार प्रदर्शन पर महेंद्र सिंह धोनी ने कमेंट किया है कि कोहली को लगातार मौका देना चाहिए और उन्हें बाहर नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि बाहर बैठाने से खिलाड़ी का रिदम कम हो जाता है।